त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब आरक्षण की नई लिस्ट जारी की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आरक्षण में खामी होने के कारण हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण लागू कर पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। वहीं सरकार को 15 मई के बजाय 25 मई तक पंचायत चुनाव पूरा कराने का निर्देश भी जारी किया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को 27 मार्च तक आरक्षण की नई लिस्ट जारी करने को कहा है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 25 मई के अंदर कराने का निर्देश दिया है। अब सरकार को 2015 के आधार पर आरक्षण लागू करना है तो साफ है कि यूपी के सभी जिलों में आरक्षण बदल जाएगा। नई आरक्षण लिस्ट में अब 2015 में जहां सामान सीट रही होगी वहां की सीट पर बदलाव तय है। वहीं आरक्षित सीटों के भी इस बार सामान होने की संभावना है। इससे पहले पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट 17 मार्च को आनी थी, लेकिन अब 27 मार्च तक आरक्षण की नई लिस्ट आएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, फिर से काम तो बढ़ गया, पता नहीं इतने कम दिनों में सब कुछ कैसे होगा। आरक्षण की जो है अंतिम सूची का प्रकाशन करके आज 15 मार्च तक इसे शासन में भेजे जाने का दिशा निर्देश था गाइडलाइन के अनुसार, परंतु 3 दिन पहले, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर अग्रिम आदेश तक इसके अंतिम प्रकाशन पर रोक लगाई गई थी। आज पुनः जो सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है उसके आधार पर हाईकोर्ट ने जो है निर्देश दिया है कि जो है पुनः आरक्षण जो है कराया जाए। इस बार जो वर्ष होगा जो उसका बेस वर्ष होगा वो 2015 होगा। पहले हम लोग 95 से 2015 तक का सभी ले रहे थे, पहले की जो प्रीवियस जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार, परंतु अब उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नए जो निर्देश आए हैं उसके अनुसार 2015 को ही बेस वर्ष लेकर के रोटेशन के अनुसार आरक्षण किया जाएगा। अब इसकी डिटेल गाइडलाइन की प्रतीक्षा है, हमें लगता है कि जियो कल शाम तक आ जाएगा और उसी जियो के आधार पर 27 मार्च तक उसमें डिटेल डेट रहेगा उस जियो में। पर अभी तक जो भी हाई कोर्ट के जो गाइडलाइन जो दिख रही है, निर्देश जो दिख रहे हैं, उसके अनुसार 27 मार्च तक हमें आरक्षण करके इसे निदेशालय तक भेजना रहेगा।